हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भोजपुरी गानों के बारे में, उनकी मूवीज के बारे में, और वेदर नॉर्मल गाने हैं या बी ग्रेड गाने हैं या मूवियाज हैं, जो भी है हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं ये टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोज बनाता नहीं हूँ, और क्योंकि मैं अभी देखो जो मेरा सीरीज चल रहा है एक्सप्लोरिंग नीश, वो मेरा चल रहा है अभी, और आई वॉन्टेड टू स्पीक फ्रीली, फ्री स्टाइल स्पीकिंग मुझे भी रखना था। बेसिकली हूँ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, और मैं चाहूँ तो उसके रिलेटेड वीडियोज बना के डाल सकता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन या UI UX या फिर वीडियो एडिटिंग। बट मैंने सोचा कि यार अभी मुझे कुछ में बंद के रहना नहीं है, नीश ओरिएंटेड मुझे एक नीश के बारे में बात करना है मेरे को, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मेरा स्टाइल थोड़ा सा अभी फ्री टाइप मुझे रखने लगता है कि यार थोड़ा मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है कि यार मैं और किस चीज़ों में बेटर कर सकता हूँ, और क्या मुझे सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बात कर सकता हूँ या मैं और भी टॉपिक पे जिन बारे में बातें कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी 50 ट्रैश वीडियो का एक सीरीज बनाया था और वो ठीक ठाक गया, उसमें मैंने अपने ट्रैश वीडियो का सीरीज कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने दोबारा से एक्सप्लोरिंग वीडियोज़ का सीरीज बनाया। बट फॉर सम रीजन मेरा माइक खराब हो गया था, और उसके बाद 11-12 दिन तक मैं वीडियोस नहीं बना पाया। उसके बाद जब वापस माइक मेरा बन के आया, मैंने चीज़ें काफ़ी सारी इकट्ठी करी, रिसर्च करी, जो मेरा एक फ्लो बना हुआ था वीडियो बनाने का, रिदम जो एक मेरा बना हुआ था, कहीं ना कहीं वो टूट गया, और फिर मैं वीडियोज नॉर्मल उसके बाद लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज में नहीं बना के डाल पाया, बट शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोज में रोज बना के डाला। ये रहा थोड़ा सा मेरे बारे में। अब जो कि हम टॉपिक जिस पर डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉलीवुड के गानों के बारे में, भोजपुरी गानों के बारे में और मूवीज के बारे में। तो मैंने एक रिसेंटली मोहक मंगल का एक वीडियो देखा जिस राइट ए राजा लाइन पर आजा रिक्शा वाला आई लव यू, तो उन्होंने काफी डिटेल में बताया हुआ है किस ईयर में कौन सी मूवी आई और उसकी फिर मतलब जो कैलकुलेशंस थे, जो अर्निंग्स थी, जो स्पेंडिंग थी, वो क्या रही, कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री है जो काफ़ी ऑर्गेनाइज नहीं है और थोड़ी सी बायस्ड है, और जिस तरीके के गाने वहाँ पे बनाए जाते हैं उसके कारण क्या है। तो देखो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं वो बताऊँगा आपको। उन्होंने तो एक मतलब वीडियो मतलब जो उन्होंने रिसर्च करी अच्छी थी, नो डाउट, बट क्योंकि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ आजमगढ़ से, जो कि ऑफकोर्स बिहार में नहीं है, बट बिहार की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे कॉमन है, जैसे छठ पूजा हो गई, भाषा हो गई, और भी बहुत सारे कल्चर्स हैं, पहनावा हो गया, खेती बाड़ी हो गई, तो काफ़ी चीज़ें हमारी आपस में ऑलमोस्ट सेम हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार क्योंकि मैं वहाँ से रहा हूँ और मैंने भी वो सारी चीज़ें मतलब फेस करी हैं, तो मैं 2002 या 2003 में मतलब जो गाने आने चालू हुए थे, वो टाइम होता था CD वगैरह का, CD में गाने आया करते थे, और फिर मैं 2007 में दिल्ली आ गया था, लेकिन कनेक्टेड में अभी तक गांव से हूँ। अभी भी मुझे गांव के जो वहाँ के जो गाने हैं बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो हीरोइन गाना काफ़ी हिट हुआ था, वो मुझे काफ़ी मतलब ठीक ठीक लगा था, और भी हैं गाने हैं मुझे जो ठीक ठीक लगते हैं। ठीक है, तो जो अच्छे गाने होते हैं मैं सुन लेता हूँ। मुझे ऐसा भोजपुरी तो जो मुझे, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे भोजपुरी गाने आज भी पसंद है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब भोजपुरी से मतलब हमारे एरिया से हैं, लेकिन वो लोग अपनी भोजपुरी को इतना प्रमोट नहीं करते, उतना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको पसंद नहीं आते, जस्ट दैट कि उनको लगता है कि यार भोजपुरी का नाम आते ही या भोजपुरी भाषा आते ही थोड़ा सा ना वो चीपनेस साउंड करने लगता है, जिस तरीके गाने वहाँ बनाए जाते हैं। और उसके बाद अगर आप मराठी गानों की बात करो, अगर आप हरियाणवी गानों की बात करो, तो यार ये लोग कहीं ना कहीं अपने गानों को, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रे करते हैं, एक उसकी पॉजिटिव इमेज बनती है। अगर मैं आपको मराठी गानों की बात करूँ तो आपको जिंगाट गाना याद आ सकता है, आपको जो गाना पसंद है मराठी में आपको वो भी याद आ सकता है। अगर मैं हरियाणवी गाने की बात करूँ तो सपना चौधरी याद आती है, और उसके बाद जो गाने हैं वहाँ के वो भी उसकी बेस काफी हिट है, शादियों में दिल्ली में तो मुझे लगता है मोस्टली वहीं के गाने बजते हैं। भोजपुरी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का एक गाना काफी पॉपुलर था जो पवन सिंह ने गाया था, लॉलीपॉप लगे लू, नो डाउट गाना ठीक था, गाना बुरा नहीं था, बट एट द सेम टाइम मैं अभी आऊँगा उस पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। और अगर मैं क्योंकि देखो मैं आजमगढ़ से हूँ, मेरे यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। अभी आमिर खान की एक मूवी आई थी लापता लेडीज, उसमें एंडिंग करा के आए
पूरा नहीं है, पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ही मासूमियत और बहुत ही सिंपलिसिटी को कैप्चर किया गया है। गांव का एक एसेंस है, और मतलब गांव से निकल के वो शादी का जैसा भी है वहां पे जो सेटअप बनाया गया है ठीक ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कैप्चर किया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक 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 फेस ये भी है, वो उधर की साइड का ही फेस है जो गानों में नॉर्मल दिखाया जाता है, सिर्फ एक लौता वही फेस नहीं है, उसी जगह के उसी लोगों का एक फेस ये ऐसा भी है। जैसा आपने अगर वो मूवी देखी है तो आपको समझ आएगा कि यार ऐसे भी लोग हैं। सिर्फ गानों से वहाँ के लोगों को जज करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा। अगर मैं वहाँ के लोगों की बात करूँ तो यार जो लोग वहाँ से निकल के आए, जैसे प्रियंका चोपड़ा और रवि किशन और दिनेश लाल यादव और भी बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बॉलीवुड में, पंकज त्रिपाठी, तो ऐसे ऐसे नाम हैं जो बॉलीवुड में आप जिनको शायद जानते हो या नहीं भी जानते होंगे, वो लोग बिहार की भूमि से आए हैं, पूर्वांचल की तरफ से आए हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने मतलब अपना बॉलीवुड में अपना नाम जमाया हुआ है। बहुत अच्छा वो लोग कॉन्टेंट बना के देते हैं जो मुझे लगता है पूरा देश देखता होगा, राइट। सो लेकिन जब आपको पता चलता है कि जिस जगह से वो लोग आए हैं वो जगह उतनी डेवलप नहीं है, वहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा सिनेमाटोग्राफी में क्या मतलब मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है, बट कॉन्टेंट किस तरीके का चलता है वहाँ पे, वो सब मुझे लगता है कि जिस तरीके जिस जगह से वो लोग आते हैं और जिस तरीके का कॉन्टेंट वो लोग बना के आपके सामने डालते हैं वो आपस में मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये लोग वहीं से आ रहे हैं जहाँ से ऐसे गाने भी आते हैं। तो ऐसे गाने आते हैं वो गाने कौन से हैं, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ पोस्टर्स, ये आप गानों के पोस्टर्स पे पढ़िए और आपको क्या समझ आ रहा है, आपको देख के क्या लगता है कि इस गाने को अगर आप सुनेंगे तो क्या होगा। एक पीछे एक गाना काफ़ी फेमस हुआ था वो मतलब लेडीज़ का जो एक नावल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंटर में रखा जाता है आजकल के गानों में, और उसके अराउंड बहुत सारे गाने बने। एक गाना हिट हुआ तो उसके बाद बहुत सारे गाने उसके अराउंड बनने लग गए। तो जो 2002 की अगर मैं बात करूँ, जहाँ से मेरे को समझ आती थी, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मुझे वहाँ पे क्या लगता है कि वहाँ पे कैसा कंटेंट चलता है, कि ऐसा कंटेंट बनाना मजबूरी है जो क्रिएटर्स हैं, या फिर ऐसा इसके अलावा कुछ वहाँ चलता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको अपना पर्सनल व्यू दूंगा वहाँ पे। तो होता क्या है गाइस कि देखो वहाँ पे जैसे जब हम लोग वहाँ पे थे तो हर एक जगह की एक वाइब होती है, हर एक चाहे वो हरियाणा में आप हो, चाहे आप वो महाराष्ट्र में हो, या फिर आप बेंगलोर में हो, तो हर एक जगह की अपनी एक वाइब है, एक कल्चर है जिसको लोग देखना पसंद करते हैं, राइट। मूवीज़ में या फिर रेडियो पे, या फिर आजकल तो चलो रेडियो नहीं है लेकिन अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने वीडियोस बना बना के डाले हैं जिसमें टिपिकल गांव को दिखाया गया है, मड़ई है और झोपड़ी है, या फिर आग जल रही है, चूल्हे नॉर्मल चूल्हे पे खाना बन रहा है, गैस पे नहीं चूल्हे पे, बैकग्राउंड में खेती बाड़ी आ रही है, ऐसे व्यू। और वो वीडियो कहीं का भी हो सकता है, बैनर का भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे गांव एरिया है कहीं का भी हो सकता है, मैं वहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ जो ऑडियंस यूट्यूब पे है उनको वैसा चीज़ें देखने को थोड़ा यूनिक लगता है और वो ऐसे कॉन्टेंट को देखना पसंद करते हैं, वो हरियाली, चिड़ियों का बोलना उसमें और लोगों का जिस तरीके से एक सिंपलिसिटी है जो एक कल्चर दिखाता है कि साथ मिलकर खाना पीना बनाना और एक दूसरे की हेल्प करके वो सब करना, तो और मतलब बहुत अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, सिंपल जो ट्रेडिशनल वियर होता है लुंगी और गंजी टाइप लोग कपड़े पहन के उस पर दिख रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखते हैं, वो सब चीज़ें लोगों को यहाँ पे देखने में बहुत मज़ा आता है कि यार ऐसे भी लोग हैं और ऐसे लोग हमारे सामने लोग कंटेंट बना के डालें, देखने में मज़ा आता है। तो 2002 में मैं दिनेश लाल यादव से शुरू करूँगा क्योंकि मेरे टाइम पर वही आए थे और उस टाइम वो निरहुआ नहीं थे, वो सिंपल दिनेश लाल यादव हुआ करते थे और उनका एक गाना आया था निरहुआ सेटल रहे, और काफ़ी मतलब वो जो उनकी एल्बम आई थी 7-8 गाने थे और वो एल्बम काफ़ी हिट हुई थी उनकी, हम लोग को भी काफ़ी पसंद आई थी। सीडी का टाइम होता था, हम लोग सीडी लगा लगा के देखते थे आसपास, किसी के पास सीडी था तो टीवी नहीं था, टीवी थी तो सीडी नहीं था, आपस में वो कोलाबोरेट करते थे, और फिर वो कोलाबोरेट पर अब आया है, उस टाइम तो चलो गाँव में था कि चलो यार म्यूजिक के देख लेते हैं, या फिर भाड़े पर हम लोग कैसेट लेके आते थे तो हम लोग देखा करते थे, तो ये तरीके से हम लोग देखते थे, ठीक है। तो मैंने मतलब जितने मैं और जितने मेरे साथ के लोंडे थे, हम लोगों ने कभी भी थिएटर में जाके, चाहे वो मूवी भोजपुरी में हो चाहे वो मूवी हिंदी में हो, हमने कभी थिएटर में जाकर के मूवी नहीं देखी। और मैं जा समझता हूँ हम लोग जितने भी थे, जितने मेरे साथ के बच्चे पढ़े हुए थे, अगर उनमें से किसी ने मूवी देखी भी होगी तो दिल्ली या बम्बई या जहाँ पे भी वो सब गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने थोड़ी कमाई करी, कमाने के बाद पैसे आए तब गए, और गए भी होंगे तो बहुत इक्के दुक्के थे, हर कोई नहीं जा रहा था मूवी देखने। तो आप समझ सकते हैं 2002 या 2003 तक मूवी देखने का गांव में इतना चलन नहीं था, तो क्षेत्रीय मूवी नहीं देख पा रहे थे, तो बाकी की मूवी को तो छोड़ ही दो आप, ठीक है। अच्छा,
अब आते हैं कि गाने जो वहाँ पे बनाए जाते हैं ऐसे क्यों बनाए जाते हैं। तो जो मैं दिनेश लाल यादव की बात कर रहा था, निरहुआ सेटल रहे, ये एल्बम उनकी हिट हुई, तो वहाँ पे जो कल्चर है वो गाने सुनने को ज़्यादा है, ऑर्केस्ट्रा अगर आप समझते हैं तो शादियों में लोग मोस्टली ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप है गाने बजाने वाले टाइप्स लोग, वो लोग आते हैं, उनके पास मतलब फीमेल डांसर्स होती हैं, मेल डांसर्स होते हैं, तो मेनली फीमेल डांसर्स को नचाया जाता है कम कपड़ों में। और फिर उसके बाद मतलब गांव के लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हिट है। वहाँ की ये एक चीज़ जो क्रिएटर्स उन्होंने पकड़ेगी, यहाँ के लोगों को ऐसा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, मतलब लड़की डांस कर रही है कम कपड़ों में है, भोजपुरी ट्यून है उस पर डांस कर रही है, तो एंड ऑफ द डे लड़की डांस कर रही है शादी में, किसी भी गाने पर डांस कर रही है, वो जो लोगों को एंटरटेन करती है, दैट इज़ वॉट वहाँ के लोगों को देखना पसंद आता था, अभी भी है, मैं नहीं कह रहा तब था तो अभी है, अभी भी है। इसके अलावा जो गाने अगर आप नॉर्मल जो यहाँ पे चल रोमांटिक सॉन्ग हो गए, सैड सॉन्ग हो गए, तो ऐसे गाने आप भोजपुरी में बहुत हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको लाइमलाइट में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनको उतना कोई सुनता नहीं है। अगर रोमांटिक गाने की सुनने की बात आती है तो लोग भागते हैं हिंदी गानों की तरफ, मैं खुद भी हिंदी गाने सुनता हूँ, मैं तो जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे भोजपुरी गाने सुनने बहुत पसंद है, लेकिन मैं भोजपुरी गाने कब सुनता हूँ, जब मैं थोड़ा लो फील कर रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि यार, तो वहाँ के गानों की जो ट्यून होती है वो बहुत मतलब अगर वो कॉपीड नहीं है और वो खुद से कई बार कंपोजिशन करके लेके आते हैं और वो कई बार वो इतनी प्यारी लगती है, तो मैंने लिस्ट बना रखी है, वो थोड़े हाई पेस होता है, वहाँ पे थोड़ा डीजे का जो बेस होता है हाई चाहिए होता है, तो ऐसी टाइप चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं। और अगर अगर फिजिकल में तो ऑर्केस्ट्रा मैंने आपको बताया, अगर आप गाना वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चलता है तो आप कहीं भी लेके चले जाओ वो हिट होता है, ऑर्केस्ट्रा किसी भी शादी में जाता है, कि हिट का मतलब जज कैसे करेंगे आप ऑर्केस्ट्रा का, तो कैसे ही करेंगे, शादी में बहुत सारी जनता आई होती है और ऑर्केस्ट्रा है तो जनता और बढ़ जाती है, लोग गाँव से दूर दूर से लोग आते हैं देखने। इनफैक्ट मेरे पिताजी अपनी शादी में गए थे किसी और गांव में, जो कि अलाउड नहीं था उनको, जो ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाता है शादी का हाथ में जब वो हल्दी वल्दी लग जाती है, वो बताते हैं कि हम दूसरे गांव जाके नाच वाच देख के आते थे क्योंकि वो अलाउड नहीं था, फिर भी मैं चोरी से गया था। तो वहाँ के लोग एडिक्टेड हैं डांस वांस के, एंटरटेनमेंट के, बट एट द सेम टाइम जब वो चीपनेस की तरफ जाने लगता है तब वही लोग को समझना मुश्किल हो जाता है कि यार क्या ये वही लोग हैं जिनके लिए, जो लोग डांस के लिए पागल है, क्या वो लोग ऐसा कंटेंट पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। तो मोहक मंगल ने जो अपने वीडियोज में बताया है बहुत अच्छे से उन्होंने उसको कैप्चर किया है कि किस ईयर में कौन सी मूवी आई भोजपुरी में, किन माइंडसेट के साथ उस मूवीज को बनाया गया और फिर वो हिट हुई कि नहीं हुई। देखो मूवीज के बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि मैंने मूवीज देखी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने गाने वहाँ के देखे हैं, काफ़ी सारे गाने देखे हैं, अभी भी मैं देखता हूँ सुनता हूँ, तो कुछ गाने तो हैं चलो ठीक है टू द पॉइंट चलते हैं, लेकिन कुछ गाने लिटरली चीप हैं, लेकिन फॉर व्यूज एंड फॉर मूवीज की बात अलग हो जाती है, हाई बजट होता है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, तो उनका तो चलो समझ में आता है कि चलो नहीं उतनी ऑडियंस है उन लोगों के पास, ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक टाइम था जब बॉलीवुड में पंजाबीफिकेशन होता था, सारी मूवीज में पंजाबी करेक्टर होता था, मतलब कोई ना कोई करेक्टर पंजाबी होता ही था, इनफैक्ट जो मेन करेक्टर होता था कई बार वो भी हिंदी के साथ मिक्स पंजाबी भी बोलता था, तो इनफैक्ट एक अमेजोन पे सीरीज भी आई थी, मैं भूल रहा हूँ सीरीज का नाम, जिन्होंने बोला था कि यार ये पंजाबीफिकेशन हो रहा है बॉलीवुड में, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो पंजाबी में बनाई जा रही हैं, पंजाबी का टच लेके बन रही हैं, लेकिन अब की अगर आप मूवीज़ का कंटेंट की बात करोगे तो अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो पूर्वांचल का एरिया है, जो भोजपुरी है, जो एक भैया वाली लैंग्वेज है, वो थोड़ा सा डोमिनेट कर रही है। अगर आप मिर्ज़ापुर की बात करें या फिर अगर आप और भी हैं सीरीज, वैसे तो मैं देखो बहुत ज़्यादा मैं मूवीज़ देखता नहीं हूँ, पर जितनी मैं देखी है और जितनी मेरी समझ है मैं आपको उतनी अपना आपके साथ शेयर कर देना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें आजकल डोमिनेट कर रही हैं, तो भोजपुरी ने या पूर्वांचल ने हमेशा से ही हिंदी कंटेंट को टक्कर दिया है, और ये बात मैं रिसर्च पे बोल रहा हूँ, आप मोहक मंगल की वीडियो देखेगा वो आपको बताएंगे कितनी मूवीज़ बनाई गई हैं भोजपुरी में और वो उनका इम्पैक्ट कितना तगड़ा था कंपेयर टू हिंदी कंटेंट, और उसके बाद ग्रेजुअली वो काफ़ी मतलब तेजी से नीचे भी आया। सो पॉइंट हेयर इज कि यार अगर
कोई चीज मजबूरी में होती है तो उसका लॉजिक समझ में आता है, बट गानों पे इतना मतलब नीचे जाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार भाई एक रेगुलेशन होना चाहिए वहाँ पे, वहाँ के गानों को लेकर के। और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेकर के आहत भी था यार, भोजपुरी गाने का मतलब सिर्फ चीप गाना बनाना नहीं है, और अच्छे गाने बनाए जा सकते हैं। लोग हैं आजकल, लोग बदल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग ही भोजपुरी गाने सुनते हैं, लोग शहरों के शहरों में भी ले रहते हैं जो वहीं से कनेक्टेड है और वहाँ के गाने को जरूर सुनते हैं, तो वहाँ को ध्यान में रखते हुए गाने थोड़े बेटर बनाए जा सकते हैं, इज वॉट आई एम थिंकिंग। तो गाइज देखो, अभी मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोज बनाने बंद कर रखा था, और ये सीरीज का स्टार्ट होने का पहला वीडियो है, और अगर आपको अच्छा लगा है या जो भी आपको ओपिनियंस है भोजपुरी गानों को लेकर के, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। और मेरा तो अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन मैं परफेक्ट होने की कोशिश में हूँ, उस राह पे चल पड़ा हूँ। और जो भी आपका फीडबैक है, चाहे मेरे बोलने को लेकर के, कंटेंट क्रिएशन को लेकर के कोई फीडबैक है, तो आप जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।